हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सर्दियाँ आ चुकी हैं और आज मैं आपके साथ मेथी से बने एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी शेयर करूँगी। ये रेसिपी टोटल 20-25 मिनट में पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत ही पसंद आती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ एक मिक्सिंग बाउल में मैंने एक कप सूजी ली है। सूजी यहाँ पर मैंने मोटी वाली यूज़ की है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप बेसन। उसके बाद इसमें जाएगा 1 कप दही और लास्ट में इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके एक गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसको अच्छे से हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि बैटर में कोई लम्स ना रहे। अब इसको ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट के अंदर सूजी और बेसन लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लिया है। कंसिस्टेंसी आपकी ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा लिक्विडी होना चाहिए बैटर और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो करीबन 1/4 कप पानी बस मैंने और ऐड किया था इसमें और ये हमारा परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी हो गया है। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कसा हुआ अदरक, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अगर बच्चे हैं आपके घर में तो हरी मिर्च के बीज निकाल दीजिए। 1/2 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 गाजर कसा हुआ और 2 कप बारीक कटी हुई मेथी। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के टाइम अगर आपको लगेगा कि बहुत गाढ़ा हो रहा है बैटर तो 1-2 टेबलस्पून पानी और ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये देखिए, ये बैटर यहाँ पर रेडी है। अब इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करूंगी। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद इसमें 2 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, जिससे कि रिएक्शन होगा और बैटर हमारा एकदम लाइट और फ्लफी हो जाएगा। यहाँ मैंने एक पैन को मीडियम हाई हीट पर गर्म होने रख दिया है और इसमें मैं 2 चम्मच पीला सरसों का तेल ऐड करूंगी। वैसे आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो गैस को लो करके इसमें चुटकी भर मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के दाने ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सफ़ेद तिल ऐड करेंगे, चुटकी भर हींग ऐड करेंगे और इसमें थोड़े से करी लीव्स ऐड करेंगे। अब इसमें 2 से 2.5 सर्विंग स्पून जितना बैटर ऐड करेंगे और इस तरीके से स्प्रेड करते हुए हम इसे गोल शेप दे देंगे। इसे ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए हल्की गैस पर कुक होने देंगे। 3-4 मिनट के बाद इस प्लेट को हम हटा देंगे और इसके साइड्स को ऐसे हल्के हाथों से रिलीज़ करके इसको फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद भी इसको 2 से 3 मिनट तक कुक होने देंगे। एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए साइड्स में थोड़ा सा ऑयल हम और ड्रिजल कर सकते हैं। इसको एक बार और फ्लिप करके चेक कर लेंगे कि ये नीचे से सिका है कि नहीं। ये देखिए, अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प हो गया है ना, कितना बढ़िया लग रहा है। बाहर से एकदम क्रिस्पी होगा लेकिन अंदर से उतना ही ये पैनकेक सॉफ्ट रहेगा। सर्दियों की सुबह जब गरम गरम चाय के साथ आप ये नाश्ता सबको सर्व करेंगे ना, तो बस आपकी तारीफ करते सब नहीं थकेंगे। तो देखा आपने कितनी जल्दी बिना किसी एफर्ट के और बिना टाइम लगाए हमने एक बढ़िया और हेल्दी नाश्ता कैसे तैयार किया है। इसे हरे धनिया और पुदीने की चटनी के साथ सर्व करिए। और अगर आपके लिए ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो गाइस प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी कुकिंग।